बोलना बहुत कुछ है लेकिन रुक जाओ, सही समय नहीं मिल रहा है, थोड़ा जल्दी में हूँ। हाय, मैं हूँ सुधीर सिंह और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं क्या ही बताऊँ, बज रहे थे शाम के 8 और मैं सोच रहा था कहीं जाऊँ बिकॉज बोर हो रहा था घर पे, बट समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। तब मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना उज्जैन जाया जाए महाकाल बाबा के दर्शन करने, बिकॉज मैं गया नहीं हूँ अभी तक। तो बस मैंने मन में आ गया, तो एक बार आ गया तो मैं फिर तो अपने आप की भी नहीं सुनता, मेरी मम्मी मना कर रही थी बट फिर भी मैंने नहीं माना और मैं निकल गया हूँ। तो 9:30 बजे की ट्रेन थी बोरीवली स्टेशन से, तो मैं स्टेशन पे ही हूँ, बस कुछ मिनटों में ट्रेन आ रही है और दर फिर मैं पकड़ के डायरेक्ट हर हर महादेव। तो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और एक बात ऐसी है कि मेरे पास टिकट नहीं है और फिलहाल मैं हूँ जनरल डब्बे में, जनरल मतलब कि चालू डब्बा। और अब भी बज रहे 2:30, मैं पहुँचूँगा सुबह लगभग 8 बजे। टिल देन मुझे ट्रेन में डुन 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 यही करते हुए जाना है सुबह के 6:30। तो ये मैं पहुंच गया उज्जैन जंक्शन बिना टिकट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, एकदम सही सलामत पहुंचते हुए, और अब मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ। वाह वाह वाह, जय भोलेनाथ, पहुंचते ही सामने है शिवलिंग। तो ट्रेन में मैं शौचालय नहीं गया एक भी बार, तो सबसे पहले मैं शौचालय जाऊँगा जो कि सामने ही है, PNU शौचालय। तो सिर्फ 30 रुपये में मैं नहा धो के सब करके निपट गया। अब मुझे बहुत तेज लगी है भूख, तो मैं जा रहा हूँ पहले कुछ खाने के लिए ढूंढने। तो नाश्ता तो हो गया, अब मंदिर की ओर चलता हूँ, महाकाल मंदिर। वो भाई ने मेरे माथे पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, जय महाकाल, चलो जो भी है जय महाकाल। तो मैं यहाँ रखूँगा अपना बैग वगैरह और यहाँ से लूँगा प्रसाद। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कान्हा जी शक्ति स्वरूप कन्या सुना भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए अब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, तो मैं लॉकर में फ़ोन रखने जा रहा हूँ, फिर मैं दर्शन करके फिर वापस मिलता हूँ। मैंने तो दर्शन कर लिया, सॉरी मैं आप लोग को नहीं करा पाया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था, और कुछ नहीं, बस यहाँ मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ। बोलो हर हर महादेव। कहता जंगली लग रहा हूँ मैं एकदम। आप लोग बाबा का यहाँ से दर्शन कर ले, ये देखो ये लाइव चलती है। चलिए बाबा का ठंडे ही पीते, ठंडे ही। यार दर्शन तो हो चुके हैं और मैं वापस स्टेशन भी आ गया हूँ, उज्जैन स्टेशन, और समझ नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। इतनी जल्दी तो वापस मुंबई जाने का मन नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं।
क्या कर सकता हूँ, देखते हैं। तो फिलहाल हूँ मैं उज्जैन स्टेशन और मैं जा रहा हूँ इंदौर। क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, बस जा रहा हूँ इंदौर। एक पंगा है, अभी बज रहे हैं 12 और इंदौर के लिए कोई ट्रेन नहीं है फिलहाल। ट्रेन डायरेक्ट 3:05 पे है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो ठंडाई नहीं पीनी चाहिए थी, बिकॉज स्लो हो गया हूँ थोड़ा मैं, बहुत। मैं बैठा था आधे घंटे से बैठा ही हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा खाना खाने जा रहा हूँ। ओ भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई, वो जो ठंडाई थी वो तो मुझे बहुत तगड़ी हो गई थी, मैं वो बता नहीं सकता। और अभी मैं वापस ट्रेन में हूँ, मैं इंदौर जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, 6:00। बट ठंडाई फाक, अरे मारे। और फिलहाल मैं सर्च कर रहा हूँ होटल। तो फिलहाल मैं इस होटल में रुक रहा हूँ, जस्ट इन 400 रुपये में। आज नहीं, मैं कल शाम के, मतलब रात के 8 बजे तक, आज रात के 8 बजे से कल रात के 8 बजे तक मैं इस होटल में सिर्फ 400 रुपये में रह सकता हूँ। सो इट्स अ नाइस डील, बढ़िया है ना, क्या ही करना है। और अब मैं जा रहा हूँ पहले कुछ खाने, मतलब भोजन, गोइंग टू डू डिनर। और मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, तो फिलहाल क्या, मैं सोने ही जा रहा हूँ और ये व्लॉग होता है यहीं पे एंड। फिर देखते हैं कल मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ इंदौर में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा। ठीक है, टिल देन बाय।